दोस्तों मेरा सफ़र स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो मॉर्निंग तो नहीं है कि मॉर्निंग बोल के ब्लॉग स्टार्ट करें। तो देखो ऐसा है कि यहाँ पे जो है पीछे जो बस दिख रही है, एक ये बस लगी है, एक एसी बस, एक ये लगी और इधर कुछ साधारण बसें लगी हुई हैं। ये वाली बस जो है निकलेगी 6:15 बजे निकलेगी यहाँ से, और सुबह में 3 बजे पहुँचा देगी लखनऊ। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले को पकड़ूँ या इधर वाले को पकड़ूँ, देखते हैं। पहले इसके बारे में विचार करते हैं, फिर आगे का वीडियो। देखिए ये बस लखनऊ जाएगी 5 बजे। मैं दोनों बस में बैठ के देख लिया, इस वाले बस में भी बैठ के देख लिया और इस वाले में बैठ के देख लिया। ये दोनों बस जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होकर जाएगी, इस वाले में बहुत सही है, इसी में देखते हैं बैठेंगे। इस वाले बस में बुकिंग कर दिए हैं और आधे घंटे बाद जो है खुलेगी तो फिर निकलेंगे। फाइनली इस वाले बस में जा रहे हैं, इसमें चढ़ गए हैं। ये है हमारा सीट, तो हमारी बस खुल गई। कैब जो खुली है तो 6:15 बजे खुली है बस। लाइट नहीं जल रहा है यार, अब जल गया, वहाँ से स्विच था। और ये जो दिख रहा है ना, ये एसी का है। और ये वाली बस जो है ना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होकर जाती है। टिकट 753। एक चीज़ और है कि टिकट जैसे आपको यहाँ पे ऑफलाइन ही मतलब मिल जाएगा, ऑनलाइन भी ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन आइए, बैठिए, तुरंत टिकट लीजिए, एसी का आनंद लीजिए। थोड़ा सा मोबाइल दिखाई देखे, हम तो सागरपली पहुँच गए सीधे, सागरपली आ गए भाई साहब, बहुत स्पीड है। हम वीडियो एडिटिंग करते रहे और पहुंच गए रसड़ा। रसड़ा बस स्टैंड पर पहुंचे हैं भाई साहब। इसी बस स्टैंड पर एक बार पापा को बस थाने आए थे। ये नया खुला है एक्स मेगा मार्ट रसड़ा में। मऊ पहुंच गए हैं। मऊ पहुंचने में मुझे लग रहा है कि 1.5 घंटा लगा है और आधा घंटा यहाँ पे रुकेगा, बाकी अविनाश जी मिल गए। जब भी मऊ का अगर रेलवे स्टेशन चाहे बस उस पाते तो अविनाश जी जरूर मिलते हैं। और ये है मऊ का बस स्टैंड, बढ़िया बस स्टैंड बना है भाई। कहाँ इतना बढ़िया बन गया आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो लगता ही नहीं कि बस स्टैंड। हमारे एकदम सही बता रहे ना, ऐसा बस स्टैंड नहीं है, एकदम मैंने बकवास जो कहा जाए, जबकि समझ एक परिवहन मंत्री हमारे यहाँ के हैं। विशेष योगदान है इसमें। हाँ हाँ, देखिए तो कितना बढ़िया मतलब कि ये बस स्टैंड मतलब बना हुआ है जी, अभी दिसंबर में। कितना अच्छा लग रहा है, मैंने देखने में भी बहुत 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 बढ़िया लग रहा है। 2 महीने पहले मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन किए हैं। रैन बसेरा हमारे यहाँ भी बनाया गया है। चलो भाई तब हमारी बस भी जो है यहाँ से खुलेगी मऊ से। अरे भाई तो जाने लगी भाई, रोको रोको। राजवंती स्वीट्स भाई मेरा फेवरेट दुकान है मऊ में। मज़ा आएगा जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर चढ़ेगा तब। अब सीधे यहाँ से आजमगढ़, आजमगढ़ से फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ये जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए चला जाता है, तभी सठियाओं में है इस समय। अभी हमारी बस पहुंची है आजमगढ़ पहुंचे हैं। हमें लग रहा है कि बज रहा होगा 9 बज रहा होगा शायद इस टाइम पे। अभी आजमगढ़ पहुंचे हैं, अब यहाँ से थोड़े से दूर जाने के बाद सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाएगी बस, उसके बाद टाइम ही नहीं लगेगा। और यहाँ पे कई सारी बसें लगी हुई हैं जो कि
लखनऊ जाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस से होते हुए कानपुर लखनऊ सब। हमारी बस जो है यहाँ से खुल गई है आजमगढ़ से, आजमगढ़ से मुझे लग रहा है कि 8-9 किलोमीटर के बाद जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस से मिल जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ चुके हैं और आजमगढ़ से मुझे लग रहा है 10 किलोमीटर बाद चढ़े होंगे, है ना। और अब ये सीधा जो अभी तो मतलब मेन रोड नहीं मिला होगा, अभी तो ये वो है चढ़ने वाला, टोल वाला है। अभी टोल वाला है ना, तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर टोल लगेगा इसका भी, इसका भी लगेगा। कितना लगता होगा इसका? तो इसका भी देखो सामने एक टोल है भाई, मस्त लग रहा है देख के, मैं तो पहली बार चढ़ा इस पे। और स्पेशली मैं बस से आया इसीलिए। इधर से एंट्री है, उधर वाला सब बंद हो गया है, रात में ये कहीं खुला रहता है। ये है टोल से भाई, खुल भी गया तुरंत, कटा तुरंत खुल गया। चलो भाई मज़ा आया, मतलब अभी घुमा के पूरा वहाँ पे। अच्छा अभी यहाँ से ऐसे घूम के उस वाले रोड पे जाएंगे, वो जो दिख रहा है ना वो है पूर्वांचल एक्सप्रेस चढ़ने का। लखनऊ 251 किलोमीटर यहाँ से। ये घूम के ऐसे ऐसे करके वो चढ़ जाएंगे उस पर, यहाँ से चालू हो गया ना। चलो भाई तब हम चलते हैं, तो इधर आराम करेंगे 1-2 घंटे, तब तक तो हम लोग लखनऊ पहुंच ही जाएंगे। जो पीछे वो दिख रहा होगा ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, और इसी से मतलब नीचे कट के जो है ऐसे ऐसे मतलब कि जो है सामने ऐसे ऐसे ढाबे टाइप के मतलब बनाए गए हैं, यहाँ पे आराम से आके नाश्ता पानी चाय जो भी करना होगा आराम से कर सकते हैं। बढ़िया है भाई, मस्त है एकदम से। और ये हमारी बस यहाँ पर लगी है भाई साहब। इसका बाथरूम देखो कितना साफ सुथरा है, अच्छा है। चाय 20 रुपए की चाय, पूर्वांचल एक्सप्रेस पर चाय पीते हुए अच्छा फीलिंग आ रहा है। चलो भाई तब हमारी बस अब यहाँ से खुलेगी, अब सीधे हमें लग रहा है कि लखनऊ ही पहुँचेंगे हम लोग। लेकिन ये फीलिंग भाई ट्रेन में नहीं आएगा, मज़ा आ रहा है रोड पर ये वाला मज़ा लेते हुए। चलो ये लास्ट एंड हो गए यहाँ पे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ख़त्म हो गया, चांद सराय में जाके ख़त्म हुआ है। अब उतरेंगे यहाँ से हम लोग, तो उतर गए हैं अहमा मऊ में, ये है जगह लोकेशन। यहाँ से शायद भैया का रूम बस पास ही में है, तो भैया के रूम पे चले जाएंगे। और फिलहाल में इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग अच्छा लगा होगा बलिया से लखनऊ तक का पूरा ब्लॉग, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल इतना ही, गुड बाय।